कि मैं साहिल हूँ समंदर का, फिर भी प्यास बाकी है। साहिल होता है किनारा, वो साहिल नाम से लिखते हैं शीलेंद्र कुमार शर्मा, वर्तमान में पीसीएस ऑफिसर हैं शाहजहांपुर में, जिला सूचना अधिकारी। कि मैं साहिल हूँ समंदर का, फिर भी प्यास बाकी है। इबादत की जिंदगी भर मगर अरदास बाकी है। वो कहता है कि अच्छी है निहायत सादगी मेरी, पढ़ गया जो लफ्जों में किताबे जिंदगी मेरी, मगर पढ़ना अभी उसको मेरा इतिहास बाकी है। मैं साहिल हूँ समंदर का, फिर भी प्यास बाकी है। मैं अब अपना कुछ सुनाता हूँ और गौर फरमाइएगा कि भले तुम हमें न चाहो, एक मिसरे में मुकम्मल करने की कोशिश की है, समझिएगा कि भले तुम हमें न चाहो ये अलग बात है, भले तुम हमें न चाहो ये अलग बात है, पर हम तुम्हें न चाहें ये गलत बात है। कि किस उलझन में हो, किस उलझन में हो, क्यों खड़े हो दो राहे पर, किस उलझन में हो, क्यों खड़े हो दो राहे पर, गर मोहब्बत है किसी से तो चिल्ला दो चौराहे पर। कि एक बार ही सही पलट कर तो देख, एक बार ही सही पलट कर तो देख, आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तूने कल छोड़ा था। कहते हो कि वक्त नहीं है, कहते हो कि वक्त नहीं है, ये कहने को भी वक्त कहां से आता है। और एक और सुनिएगा कि खिड़की पर आने का एक वक्त मुकर्रर कर दो, खिड़की पर आने का एक वक्त मुकर्रर कर दो, आंखों को बड़ी बेचैनी होती है तुम्हारा दीदार करने की। आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाते हैं कुछ अलग के, आप और परी में, आप और परी में कौन ज़्यादा खूबसूरत ये तय करना बड़ा मुश्किल है, आप और परी में कौन ज़्यादा खूबसूरत ये तय करना बड़ा मुश्किल है, चांद भी सहम जाता है जब देखता तुम्हारी बिंदी और तुम्हारे होठों पर जो तिल है, हर बार हार बैठता हूँ जब देखता हूँ तुम्हें, हर बार हार बैठता हूँ जब देखता हूँ तुम्हें, तुम कितनी बार जीतोगे मेरे पास एक ही तो दिल है। कि लिखा है महबूब के लिए कि सवाल भी तुम ही जवाब हो, सवाल भी तुम ही जवाब हो, जिसको मैं जी रहा तुम ही वो ख्वाब हो। कि सवाल भी तुम ही जवाब हो, जिसको मैं जी रहा तुम ही वो ख्वाब हो, और लिए फिर रहे लोग कागज के फूल हाथों में, लिए फिर रहे लोग कागज के फूल हाथों में, तुम्हें मैं क्या दूं तुम खुद ही गुलाब हो। कि हर वक्त जगने लगे हो पहले सोच के हो क्या, हर वक्त जगने लगे हो पहले सोच के हो क्या, कुछ तो मिलने लगा है पहले खोज के हो क्या, कुछ तो मिलने लगा है पहले खोज के हो क्या, कि तुम्हारी हालत देखकर तो यही लगता है बहुत हंसने लगे हो पहले रोज के हो क्या। बताएं कुछ अपनी पत्नी के बारे में कि खींच कर मेरी रजाई वो गुस्से से बोली, खींच कर मेरी रजाई वो गुस्से से बोली कि क्यों इतने लेट जगते हो,
खींचकर मेरी रजाई वो गुस्से से बोली, क्यों इतने लेट जगते हो। अदरक वाली गरम चाय हाथ में दे के बोली, सोते टाइम चॉकलेट लगते हो। कि आंखों की चमक, सांसों की महक और न जाने क्या क्या मेरा वो खाक कर गया। आंखों की चमक, सांसों की महक और न जाने वो मेरा क्या क्या खाक कर गया। मैं आई कांट लिव विदाउट यू कहने वाला, मैं तुम्हारे बना खुश हूं मेरी मोहब्बत से कह के मजाक कर गया। कि हर बार तुझे खत लिखता था ये सोचकर, हर बार तुझे खत लिखता था ये सोचकर कि वो आखिरी होगा। हर बार तुझे खत लिखता था ये सोचकर कि वो आखिरी होगा। खत आज भी लिख रहा हूँ जेहन में, यही है कि ये आखिरी होगा। और एक दो शेरात और हैं, सो सुनिएगा। ये रास्ते में लिखे थे, हो सकता है यही सबसे अच्छे निकले। कहते हो कि अब वो बातें, कहते हो वो बातें अब मत किया करो, कहते हो वो बातें अब मत किया करो, बहुत पीने लगे हो अब मत पिया करो। कहते हो वो बातें अब मत किया करो, बहुत पीने लगे हो मत पिया करो। और तुम्हारी हर बात मान मान कर तो ये हाल हुआ है, तुम्हारी हर बात मान मान कर तो ये हाल हुआ है। डर है कहीं ये ना कह दो कि अब मत जिया करो। कि बात बात पर मुंह फुलाना ठीक नहीं, बात बात पर मुंह फुलाना ठीक नहीं, जरा सी देरी पर आसमां सर पे उठाना ठीक नहीं। मैं आवारा हूँ सीमाओं में नहीं बन सकता, मैं आवारा हूँ सीमाओं में नहीं बन सकता, मुझे काबू में करने की कोशिश करना ठीक नहीं। कुछ ऐसा हुआ कि रौनक छिन गई हमारे चेहरे की, कुछ ऐसा हुआ कि रौनक छिन गई हमारे चेहरे की, कोई राजा बनकर आया तोड़ दी दीवार हमारे हर पहरे की। हम बेपनाह बेपरवाह इश्क करते रहे, हम बेपनाह बेपरवाह इश्क करते रहे, हार गया जिंदा इश्क और जीत हुई राजा के साथ फेरे की। बहुत बहुत धन्यवाद।